हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं यंग बंगाल आंदोलन के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा और कई सारे आंदोलन जो इस पीरियड में हुए थे उसके बारे में हम आज ही बात करने वाले हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्लास चलने वाला आपके लिए, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। इसके पहले दोस्तों ब्रह्म समाज, आर्य समाज और पुनर्जागरण काल में जितने भी इस तरह के समाज बने थे उन सभी अध्ययन हम लोग अच्छे से कर चुके हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो आ जाए हमारे प्लेलिस्ट में, वहां आकर के हर एक सब्जेक्ट की डिटेल से क्लासेस आप ले सकते हो। इसके अलावा हमारे अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है study91.org, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा आप सभी से, विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि किसी तरह का अगर एडवर्टीजमेंट आता है हमारे चैनल पर तो प्लीज दोस्तों उसको पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो आज की क्लास में दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि यंग बंगाल आंदोलन जो था ये शुरू किसने किया था, ठीक है। तो इनका नाम था दोस्तों हेनरी विवियन डेरोजियो। देखिए थोड़ा सा बड़ा नाम है लेकिन इससे घबराइएगा मत, ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। इनका घर कहाँ पे था दोस्तों, तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और ये कलकत्ता आए थे घड़ी व्यापारी के रूप में, ठीक है, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। अगर हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता एक पुर्तगाली व्यक्ति थे जबकि इनकी माता एक अंग्रेज थी, ठीक है, और दोनों लोगों का विवाह हुआ था और उससे तीसरी संतान जो पैदा हुई थी, ठीक है, तीसरी मतलब पहली संतान पैदा हुई थी, हेनरी विवियन डेरोजियो इनका नाम था। जन्म हुआ था दोस्तों 1809 में, ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1831 में। आप कहोगे सर जन्म और मृत्यु आप सबसे पहले क्यों बता रहे हो, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि 1809 से 1831 जो है ये कितना कम समय होता है। मात्र 22 साल की उम्र में इस बंदे ने इतना बड़ा काम कर दिया कि आज इतिहास में उनको हम लोग याद करते हैं, ठीक है। सोचो एक 22 वर्ष का व्यक्ति अपने जीवन में इतना बड़ा काम कर दिया कि इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए उसका नाम क्या हो गया, छप गया, और आपके एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यानी इस 22 वर्ष की उम्र में का व्यक्ति अगर इतना बड़ा काम किया है तो उसके काम को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेनरी विवियन डेरोजियो शुरुआत में मैंने बताया कि स्कॉटलैंड से चलकर कलकत्ता आए थे और कलकत्ता में इनकी एंट्री हुई थी 1826 में। कब आए थे, 1826 में कलकत्ता में आए। शुरुआत में तो इनका काम जो था एक व्यापारी की तरह था लेकिन आगे चल के जब ये कलकत्ता पहुंचे तो इनका माइंड चेंज हो गया, उसके बाद इनका उद्देश्य बदल गया। और इनका उद्देश्य क्या हो गया, इनका उद्देश्य हो गया कि बंगाल में जो छात्र थे उनको एक दिशा देना, सही कार्य करने के लिए एक दिशा देना, ठीक है। तो 1826 में जब ये कलकत्ता आए तो आने के बाद कलकत्ता ये हिंदू कॉलेज था जिसकी स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय, याद आया आपको, ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने किया था और हिंदू कॉलेज की भी स्थापना उन्होंने किया था, ठीक है। तो हिंदू कॉलेज जो कि पश्चिम बंगाल में था, हिंदू कॉलेज में ये हिस्ट्री के टीचर हो गए, ठीक है, जैसे कि मैं, ठीक है, याद रखिएगा ये हिस्ट्री के टीचर के पद पर आ गए और 1826 से लेकर के 1831 तक इसी कॉलेज में पढ़ाते रहे और 31 में तो इनकी मृत्यु भी हो गई। सोचो इस बीच में इन्होंने कैसा काम कर दिया भाई, कितना बड़ा काम कर दिया। ये वही पीरियड है दोस्तों 1826 से 31 जिसमें इनके द्वारा सभी कार्य किए गए। हुआ क्या, जब हिस्ट्री के टीचर बन गए तो जिन बच्चों को पढ़ाते थे उनको इनको मोटिवेट करने का, उनको शिक्षित करने का दायित्व इनको मिल गया। अब इन्होंने क्या किया कि उस दौरान इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था यंग बंगाल आंदोलन। नाम से ही पता चल रहा होगा कि आंदोलन कहां से संबंधित था, बंगाल से संबंधित था। यंग माने क्या होता है, युवा, यंग माने युवा, बंग माने बंगाल, युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल आंदोलन, ठीक, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया 1826 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इस आंदोलन का उद्देश्य था दोस्तों उस समय की जो प्रेस थी उसको स्वतंत्रता दिलाना, उस समय जो जमींदारी वर्ग था जो छोटे वर्गों का शोषण करता था, किसानों का शोषण करता था, रैयत का शोषण करता था, रैयत के ऊपर अत्याचार करता था, ठीक है, उससे उनकी रक्षा करना, उन किसानों की रक्षा करना, ठीक है, बढ़िया उद्देश्य भाई, इससे अच्छा उद्देश्य क्या हो सकता है। इसके अलावा भारतीय व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में पहुँचाना और उच्च वेतन पर पहुँचाना, जो कि एक प्रथा थी कि भाई सरकारी नौकरी में पहली बात तो भारतीयों की भर्ती बहुत कम होती थी और होती भी थी तो उस दौरान जो दोनों का लेबल था, लेबल बराबर होने पर भी वेतन जो था अलग अलग हुआ करता था, मैंने आपको बताया था, ठीक है, और ये क्रांति का एक मुख्य कारण भी रहा है 1857 की क्रांति का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा उस चीज पर इन्होंने आंदोलन चलाया, तो बढ़िया विषय है और काफी अच्छी चीजें हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर दोस्तों इनका आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि प्रेस माने क्या होता है, यानी आप अपने विचारों को
अभिव्यक्त करना चाहते हो, समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो, भाई प्रेस के माध्यम से क्या होता है, प्रेस है मीडिया, इसके माध्यम से क्या होता है, एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है। इससे क्या होता है कि विचार से विचार जुड़ते हैं और एक ग्रुपिंग होती है, एक तरह के लोग एक सोसाइटी बना लेते हैं और अपने अपने उद्देश्य को आगे पूरा करने में लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक अच्छा उद्देश्य था, बढ़िया था, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को लाना, प्रेस को स्वतंत्र कराना, जो जमींदार शोषण कर रहे हैं किसानों को उनका बचाना, बहुत बढ़िया उद्देश्य था। ठीक है, इसी वजह से इनको जाना भी गया। लेकिन आगे क्या होता है दोस्तों, इन्होंने बच्चों को एडवांस तो बनाया, लेकिन एडवांस होने के साथ साथ इन्होंने बच्चों को इतना एडवांस बना दिया। देखिए आज हुआ क्या कि जब मैं इसका नोट्स तैयार कर रहा था, हेनरी विवियन डेरोजी के ऊपर आज मैं जब नोट्स लिख रहा था अपना, तो नोट्स लिखने के दौरान मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा। मैंने देखा कि जितने कोचिंग के नोट्स हैं, जो भी किताबें हैं, उन सभी में सेम टू सेम लाइन लिखी है। फिर मुझे यार चाहिए था कि मुझे कुछ अलग से चाहिए था इनके बारे में। मैंने नेट पर सर्च करना शुरू किया, ढूंढते कई लोगों का ब्लॉग पढ़ा, कई लोगों की चीजें पढ़ा, बाद में ये समझ में आया कि हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे, ये काम तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी इनके साथ एक चूक थी। चूक क्या थी? ये बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इतना एडवांस बनाने लगे कि इन्होंने बच्चों को ये समझाया कि ये जो मूर्ति पूजा हो रही है, ये जो धार्मिक वाली चीजें हैं, ये सब अंधविश्वास है, ये सब कुछ नहीं है, और हमारे ही धर्म के लोग अपने ही धर्म का मजाक बनाना शुरू कर दिए। जी हाँ दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन के दौरान हमारे ही धर्म के लोगों ने अपने ही धर्म का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और इससे चोट लगा किसके ऊपर, जो रूढ़वादी व्यक्ति थे उनके ऊपर चोट लगा। हालांकि एक बड़ी बात है, अलग चीज है। इसके अलावा बताऊं, डेरोजियो जो थे ये फ्रांस की क्रांति से बड़े प्रभावित थे। ये अपने भाषण के दौरान हमेशा उदाहरण दिया करते थे कि फ्रांस के लोगों को देखो, फ्रांस के लोगों ने बदलाव लाया। फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ? ठीक है, विश्व बंधुत्व की भावना फैली, एक बदलाव आया, लोगों में समानता की भावना आई, स्वतंत्रता की भावना आई, लोग उसके लिए लड़े और अपने देश को आजाद कराए। इन्होंने ये बात लोगों के दिल में डाला कि ये काम करो। इसके अलावा इंग्लैंड की क्रांति का उदाहरण दिया, जो कि उदारवादी क्रांति के रूप में जानी जाती है, उसका उदाहरण दिया अपने भाषणों में। और क्या कहा इन्होंने अपने शिष्यों, अपने अनुयायियों से कहा कि स्वतंत्र विचार करके सोचना शुरू करो, स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू करो। ठीक है, समानता लाओ, एक दूसरे समानता की बात करो, स्वतंत्रता की बात करो, प्रेम की बात करो, सत्य का पाठ पढ़ाया, सत्य की पूजा करने का पाठ पढ़ाया। बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम है। यानी इनके द्वारा उठाया गया हर एक कदम अच्छा था, बस अर्थ दिक्कत क्या थी कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने इतना एडवांस बनाने की सोच लिया कि जो हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं, जो हमारी धार्मिक शिक्षाएं रही हैं, उन सब को इन्होंने गलत ठहरा दिया। यहाँ तक कि जो भगवान की मूर्ति पूजा होती है उसको भी इन्होंने गलत ठहरा दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के ऊपर इन्होंने एक प्रहार किया, यंग बंगाल आंदोलन के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्रहार हुआ हमारी संस्कृति के ऊपर में, कि अपने ही धर्म का लोग मजाक बनाना शुरू कर दिए। खैर एक बात की बात है, मेरे मन में आया, मैंने बता दिया। इसके अलावा दोस्तों, समाज सुधार के लिए इन्होंने कई सारी सोसाइटी बनाई, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस समाज सुधार के नाम पर, जो इन्होंने सोसाइटी बनाया था और किया भी था, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, पहला एसोसिएशन इनके द्वारा जो बनाया गया था वो था एकेडमिक एसोसिएशन। क्या नाम था उसका? नाम पहले लिख लीजिए, एक एकेडमिक एसोसिएशन है, दो एसोसिएशन करके, एक एकेडमिक एसोसिएशन है, दूसरा है एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। तो दोस्तों, ये खुद भी एक एंग्लो इंडियन थे, हेनरी विवियन डेरोजियो, ये खुद भी क्या थे? एक एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, तो यहां पे दो हो गया, एक तो आप लिख लो, मान लो एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, दूसरा था एकेडमिक एसोसिएशन, एकेडमिक एसोसिएशन। ठीक है, ये दो एसोसिएशन करके नाम है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बनाया दोस्तों डिबेटिंग क्लब। क्या बनाया? डिबेटिंग क्लब, जहां पे लोग आकर के डिबेट किया करते थे। किस मुद्दे पर डिबेट होता था? तो यही धार्मिक मुद्दों को गलत सिद्ध करने के लिए डिबेटिंग क्लब हुआ था। ठीक है, हालांकि उसमें कुछ अच्छी चर्चाएं भी होती थी, डिबेटिंग क्लब बनाया। इसके अलावा बंग हित सभा बनाया। इसके अलावा सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जीके, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले यहां देखिए, बंग हित सभा का भी गठन इन्होंने किया। ठीक है, इधर नीचे नहीं देखेगा, यहां साइड में मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं दोस्तों। अगला था सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ, दिख रहा है ना,
ऑफ जनरल नॉलेज, जी के लिख दे रहा हूं, समझ जाएगा जनरल नॉलेज। ये कुल पांच सोसाइटी इस तरह का गठित किया था इन्होंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार जब भी क्वेश्चन फंसाने को होता है यहां से क्वेश्चन ला के दे देता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों याद रखिएगा। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया बताइए, हेनरी विवियन डेरोजिए ने। एंग्लो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, इन्होंने किया। कैसे याद रखोगे इस बात को, तो आपको बता रहा हूं, हेनरी विवियन डेरोजिए क्या थे, ये एक एंग्लो इंडियन थे, तो एंग्लो इंडियन किसने बनाया, इन्होंने बनाया। इसके बाद स्कॉटलैंड से आए घड़ी बेचने, लेकिन किससे जुड़ गए, ये कॉलेज से जुड़ गए, एकेडमी से जुड़ गए, कौन सी एकेडमी से, हिंदू कॉलेज से जुड़ गए, तो एकेडमिक एसोसिएशन किसने बनाया, इन्होंने बनाया। एक्विजिशन फॉर द जीके, जनरल नॉलेज, ये किसने बनाया, इन्होंने बनाया। डिबेटिंग क्लब किसने बनाया, इन्होंने बनाया। बंग हित सभा, बहुत पूछता एग्जाम में बंग हित सभा का गठन किसने किया, तो हेनरी विवियन डेरोजिए ने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आगे क्या होता है दोस्तों, बंगाल आंदोलन को समर्थन करते करते इनका जो झुकाव था वो पाश्चात्य संस्कृत की तरफ ज्यादा हो गया, और उससे क्या हुआ, भारतीय संस्कृत को एक गहरा धक्का लगा। अब क्या था, जो भारत के रूढ़िवादी हिंदू थे जो अपने धर्मों के लिए जान दे देना भी अपनी परंपरा समझते थे, उन लोगों ने इनका विरोध करना शुरू किया। विरोध करते करते ये बात पहुंच गई हिंदू कॉलेज की तरफ, और हिंदू कॉलेज के जो बड़े अधिकारी थे उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि कृपया करके इस व्यक्ति को अपने संस्था से निकाल दिया जाए, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, 1831 में इनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, बाहर निकाल दिया, और फिर इसी दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई। तो जाना किस लिए जाना जाता है, मैंने बता दिया आपको। हालांकि इनकी मृत्यु होने के बाद इनके कुछ और शिष्य थे जिन्होंने इनके काम को आगे बढ़ाया। हाँ, एक पत्रिका दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, ईस्ट इंडिया नामक एक दैनिक पत्रिका थी जिसका संपादन भी इन्होंने किया था, ठीक है। एक पत्रिका थी, नाम क्या था, ईस्ट इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया। उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी भी फेमस थी, आपको पता ही होगा, ईस्ट इंडिया। तो ईस्ट इंडिया नाम का एक पत्रिका था, और कैसी पत्रिका थी, देखिए दैनिक, याद रखा करिए, एग्जाम में आपसे पूछता है, आप फोकस किया करिए, कौन सी पत्रिका दैनिक है, कौन सी साप्ताहिक है, कौन सी मासिक है पत्रिका, ठीक है, याद रखिए, कौन सा समाचार पत्र है, अलग अलग होता है, एक साथ मत याद किया करिए। दैनिक मतलब रोज रोज रोज, ठीक है, दैनिक पत्रिका थी, मासिक अलग हो जाएगा, साप्ताहिक अलग हो जाएगा, तो ये नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों इनके कुछ शिष्य हैं, ठीक है, उन शिष्यों का नाम भी आप याद रखिए, मिटा दूं इधर से, चलिए हो गया होगा, मिटा दे रहा हूँ इधर से। इनके कुछ शिष्य थे जो इनकी मृत्यु के बाद इनके द्वारा चलाए गए इस यंग बंगाल आंदोलन को आगे बढ़ाया, ठीक है। अब उनके शिष्यों का नाम क्या क्या है तो मैं आपको यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक तो थे कृष्ण मोहन बनर्जी, क्या नाम था, कृष्ण मोहन बनर्जी, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तीन चार लोग थे, तीन चार लोगों का नाम है, कृष्ण मोहन बनर्जी, राम गोपाल वर्मा, नहीं मूवी वाले नहीं, राम गोपाल घोष, क्या नाम था, राम गोपाल घोष, ठीक है। कृष्ण मोहन हो गए, राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, महेश चंद हो गए, महेश चंद घोष, महेश ठीक है, महेंद्र नहीं, महेश चंद्र घोष, ठीक है। चलिए तीन लिखिए, तीन इंपॉर्टेंट है, महेश चंद्र घोष ये हो गए। एक और थे, नाम नहीं याद आ रहा, मुखर्जी करके थे, दक्षिणानंद या कोई ऐसे नंद करके थे, ठीक है, दक्षिणानंद मुखर्जी, देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। इन तीनों का नाम याद रखिए जो इनकी मृत्यु के बाद इनके चलाए गए कार्य को आगे बढ़ाए। अब यहाँ से और क्या का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इनके कई सारे उपनाम थे, कई सारी इनको टाइटल दी गई थी, कई सारी इनको उपाधि दी गई थी, ठीक है, तो उस उपाधियों के बारे में भी जानिए। जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का नाम सुना होगा आपने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने कहा कि जो डेरोजिए थे इनको बंगाल में आधुनिक भारत का या आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत बताया, किसने बताया था, तो चलिए लिख दे रहा हूं यहां पे मैं, डेरोजिए को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अब बनर्जी कहां की टाइटल है, बंगाल से संबंधित है, ठीक है ना, तो इनको बंगाल आधुनिक भारत की सभ्यता का अग्रदूत क्यों ऐसा कहा दोस्तों, इन्होंने इनको कहा गया, तो याद रखिए मैंने आपसे कहा ना कि ये एडवांस बनाने की सोचते थे। ये क्या सोचते थे कि समाज में जो पुराने नियम कानून हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिए, उसको एडवांस बनाने की सोचते थे, इस वजह से इनको आधुनिक भारत की सभ्यता का अग्रदूत कहा गया।
इन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने कहा था कि ये हमारी जाति के पिता हैं। क्या कहा था? इनका एक और टाइटल दिया था, हमारी जाति के पिता। ये सब याद रखिए, जब आपके पेपर में कठिन क्वेश्चन पूछने होते हैं तो ऐसे ही आते हैं, ठीक है, हमारी जाति के पिता, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इनको डेरेजियो की तुलना सुकरात से की गई, ये इतना सत्य को मानते थे कि इनकी तुलना जो है सुकरात से कर दिया गया। सुकरात भाई बहुत बड़ा दार्शनिक था, सुकरात हो गया, अरस्तु हो गया, ये सब बड़े बड़े दार्शनिक का नाम था, और इनकी तुलना किससे किया गया? सुकरात से किया गया, ये भी याद रखिए। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है, डेरेजियो को ही कहा जाता है। क्या? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि, याद रखिएगा, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसको कहते हैं? डेरेजियो को ही कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी मृत्यु तो हो गई लेकिन मृत्यु के बाद यंग बंगाल आंदोलन रुका नहीं, ये अपनी शाखा तो नहीं बना पाया, लेकिन इसी तरह का एक आंदोलन महाराष्ट्र में चला जिसका नाम था यंग बॉम्बे आंदोलन। क्या नाम था? यंग बॉम्बे आंदोलन 1834 में। उसके तहत ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो बंबई में एक एल्फिस्टन कॉलेज था, वहां से शुरू हुआ था। नाम लिखना पड़ेगा क्या? यंग बॉम्बे आंदोलन, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यंग बॉम्बे आंदोलन 1834, मृत्यु कब हो गई थी? 31 में मृत्यु हो गई थी। और कहाँ से? एल्फिंगस्टन कॉलेज से स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ तक की चीज़ें, और जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों परमहंस मंडली के बारे में, ठीक है। परमहंस मंडली क्या था? देखिए, बहुत सारे ऐसे मैंने कहा ना, छोटे छोटे आंदोलन चले थे, छोटी छोटी सभा बनी थी, संस्थाएँ बनी थी, तो उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। परमहंस मंडली से जब जब क्वेश्चन आता है लोग बहुत गलत करते हैं, और इसमें कुछ है नहीं। परमहंस मंडली ध्यान से सुनिएगा, तुरंत आपको याद भी हो जाएगा, और गलती क्यों होती है भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत गलतियां होती हैं परमहंस मंडली संबंधित। देखिए, इसकी स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग। जैसे ही ये नाम बोला जाएगा ना, तो कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन आ जाएगा और कहेंगे सर आप गलत बता रहे हैं। गलत नहीं, जितना बोल रहे हैं सुनते जाइए, पूरा इतिहास सुन लीजिएगा, तब बताइएगा कि गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं। तो परमहंस मंडली की स्थापना किए थे आत्माराम पांडुरंग ने अपने 3 सहयोगियों के साथ मिलकर के। किसके साथ मिलकर के? इनके 3 और सहयोगी थे, लेकिन मुख्य संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। कब हुआ था इसका निर्माण? 1849 से 50 के दौरान हुआ था। कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना किया था, शुरुआत किया था। चलो, 3 लोगों का नाम बाद में बताऊंगा, पहले इस परमहंस मंडली का उद्देश्य सुन लो। परमहंस नाम कुछ याद आ रहा है? कुछ अच्छा नाम याद आ रहा है? रामकृष्ण परमहंस, मैं पढ़ाया था कल ही, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। चलिए, वो आगे बात की बात है। परमहंस मंडली जो था दोस्तों, ये एकेश्वरवाद को मानता था। क्या मानता था? एकेश्वरवाद, यानी ब्रह्म ही एक है, एक भगवान की कामना करता था, ये मानता था। विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित था, जो सामाजिक असमानता था उसको दूर करना चाहता था, भेदभाव को मिटाना चाहता था, स्त्री शिक्षा पर बल देना चाहता था। बहुत अच्छी बात थी। फिर फेल क्यों हो गया? अरे फेल इसलिए हो गया, सब कुछ अच्छा था। नोट करिएगा, अगर नोट करना तो पूछता है ना, एकेश्वरवाद को मानता था, ठीक है, विश्व बंधुत्व की भावना को मानता था, सामाजिक समानता की बात करता था कि समाज में जितने भी व्यक्ति रहे ये सभी समान हो, ठीक है, सामाजिक समानता की बात करता था, स्त्री शिक्षा के ऊपर बात करता था। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, सब कुछ बढ़िया है। भेदभाव को मिटाना चाहता था, सब कुछ अच्छा है। ये खुद क्यों मिट गया ये बताइए सर, ठीक है। तो इसके फेल होने का सिर्फ एक छोटा सा कारण था दोस्तों, इसका झुकाव ईसाई धर्म की तरफ हो गया था। इसने ईसाई धर्म की नकल करना शुरू कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे यहाँ के रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया और इसके फॉलो नहीं किया। इस प्रकार से यह संस्था कुछ ही समय में विलुप्त हो गई। 1850 में स्टार्ट हुई थी, 1860 में कहानी इसकी खत्म भी हो गई। क्यों? एकमात्र रीजन कि ईसाई धर्म की तरफ झुकाव। इसका धर्म कहां था? इसका झुकाव किस तरफ था? ईसाई धर्म की तरफ झुकाव, ठीक है, ये उसके रास्ते पर, बताए गए रास्ते पर चलता था। इस वजह से परमहंस मंडली क्या हो गया?
फेल हो गया। अच्छा दूसरा सर ये बता दीजिए इनके तीन सहयोगी कौन हैं जिनके बारे में पूछा जा रहा है, तो आत्माराम पांडुरंग, दूसरा है दादोबा। देखिए थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूजन होता है, दादोबा पांडुरंग, तो सर ये तो याद हो जाएगा, आत्मारंग पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग। तीसरा दूसरे सहयोगी थे दोस्तों बालकृष्ण, ठीक है, वो रामदेव बाबा के साथ वाले क्या बालकृष्ण जी, नहीं वो अलग है ठीक है, बालकृष्ण जयकर इनका नाम था, क्या नाम था बालकृष्ण, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, ठीक है मैं बोल भी तो रहा हूँ, नोट कर लीजिए अदरवाइज नोट्स में आएगा। जांबेकर शास्त्री। अब देखिए गलती कहाँ से होती है, गलती ऐसे होती है दोस्तों जब बहुत कठिन पेपर देता है ना तो पेपर में क्या करेगा, पूछेगा आपसे कि परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया और आत्माराम पांडुरंग का नाम ही नहीं देगा, किसका नाम दे देगा उठा करके सीधे, जांबेकर शास्त्री, और तीन अन्य लोगों का नाम दे देगा। अब बच्चा पढ़ा है आत्माराम पांडुरंग, अब वो खोज रहा है, मिल ही नहीं रहा है उत्तर, कहानी खत्म। तो बाकी का तीन नाम भी कौन याद करना है, किसको याद करना है, आपको याद करना है, आत्माराम पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर, जांबेकर शास्त्री, ये सब आपको याद रखना है, तभी आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इस टॉपिक का यही पे अंत होता है, अब हम लोग आगे दूसरे टॉपिक पढ़ने चलते हैं, ठीक है। लोकहितवादी, चलिए आइए एक नई टॉपिक आपको पढ़ाता हूं, लोकहितवादी, कितने लोग जानते हैं लोकहितवादी के बारे में, लोकहितवादी अच्छा क्या था बताइए, लोकहितवादी क्या था, आप कहेंगे सर एक टाइटल था, किसका टाइटल था भाई लोकहितवादी, अब मैं आपसे कहूं कि नहीं लोकहितवादी एक पत्रिका का नाम था, एक मासिक पत्रिका का नाम था, तो क्या ये गलत है, कहोगे हाँ सर गलत है, नहीं तो फिर आप गलत हो, लोकहितवादी वाकई में एक मासिक पत्रिका का नाम था और ये पत्रिका संपादित किया था गोपाल हरि देशमुख ने, ये पत्रिका इतनी चर्चित हुई कि उस पत्रिका के नाम पर ही उनका उपनाम क्या पड़ गया, टाइटल क्या पड़ गया, गोपाल हरि देशमुख का लोकहितवादी, ठीक है याद रखिएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, तब समझ में आएगा आपको, लोकहितवादी ध्यान से समझिएगा, लोकहितवादी। अब इसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो महाराष्ट्र में इसकी स्थापना किए थे गोपाल हरि देशमुख, कहां पर, गोपाल हरि देशमुख, देशमुख ठीक है, और कहां पर किए थे, वही महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है दोनों बात एक ही है याद रखिएगा, ठीक है। तो गोपाल हरि देशमुख, अच्छा इनका उपनाम पड़ गया था, क्यों, क्योंकि इन्हीं की एक मराठी पत्रिका थी, मराठी मासिक पत्रिका थी ये लोकहितवादी, चलो बाद में आएंगे बात करेंगे, पहले इनके बारे में बता देता हूँ दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख जी के बारे में, ये दोस्तों न्यायाधीश थे, क्या बात कर रहे हैं सर, इतना ज्यादा पढ़ लिए थे कि न्यायाधीश हो गए थे, हाँ ये न्यायाधीश थे, ये गवर्नर जनरल का जो परिषद था दोस्तों ना उसके सदस्य थे, गवर्नर जनरल के परिषद जो काउंसिल होती थी उसके मेंबर थे भैया ये, तो इनके बारे में बताइए, पढ़ना जरूरी है कि नहीं, बहुत जरूरी है सर, ये न्यायाधीश थे, ये गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य थे, इनका एक कथन एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है, ये कहते थे कि कोई धर्म यदि अपने अंदर सुधार की आज्ञा नहीं देता है तो उस धर्म को हमें बदल देना चाहिए, क्या गजब की बात, क्या ताली बारिए, बिल्कुल सही बात है, समय समय के साथ धर्म में परिवर्तन होने चाहिए, परिवर्तन कैसे होने चाहिए, इस बात की मैं भी जो है अपनी राय देता हूं कि हाँ ये चीज होने चाहिए, पूछो कैसे, देखो परिवर्तन का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल जाएं, परिवर्तन का मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर किसी तरह की कोई बुराई है तो उस बुराई को हम अपने अंदर से दूर करें और अपने अंदर अच्छाई लाने का प्रयास करें, और वाकई में अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई धर्म है तो मैं नहीं कहूँगा कि सनातन धर्म है, मैं नहीं कहूँगा कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, एक्चुअली में तो कोई धर्म ही नहीं है, सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो मानवता का धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म दुनिया में नहीं होता, इसके बाद जाके अन्य धर्मों की स्थापना हुई, अन्य धर्म बने हैं, ठीक है, और अन्य लोगों से तरह से लोग जुड़े हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इनका कथन क्या था कि कोई धर्म यदि अपने अंदर सुधार की आज्ञा ना दे तो हमें उसे बदल देना चाहिए, अब सोचिए, तो यानी इनका फोकस किस बात पर होता था कि धर्म के अंदर अगर कोई बुराई है तो हमें स्वेच्छा से उस चीज को स्वीकार करके बदल देना चाहिए, कैसे, मान लो हमारे धर्म के अंदर एक कुप्रथा हुआ करती थी, सती प्रथा, गलत थी, उसको हमने समय आने पर अपडेट किया, अपने आप को बदला, हम लोग क्या चाहते थे, हम लोगों का स्त्री शिक्षा पर थोड़ा सा कम बल दिया जाता था, लेकिन उसको भी हम लोगों ने बदलाव किया कि नहीं, उनको भी पढ़ने लिखने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी शिक्षित होना चाहिए, उनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें थी, तो हम लोगों ने बदला, यानी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, महाराष्ट्र में और अहमदाबाद में माननीय गोपाल हरि देशमुख के जी के द्वारा कई सारे काम किए गए, कहाँ पर, महाराष्ट्र में और अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद
बाद में, ठीक है। इन्होंने सबसे बड़ा योगदान जो अपना दिया था दोस्तों, ये विधवा पुनर्विवाह के लिए दिया था। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने एक पुनर्विवाह मंडल भी बनाया था, पुनर्विवाह मंडल की स्थापना भी किया था। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह संस्थान भी एक अलग से बनाया था, ठीक है। एक मंडल था, एक विधवा पुनर्विवाह पुनर्विवाह संस्थान, ठीक है। ये दो चीज़ें इनके द्वारा बनाई गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपसे बताई दिया कि मराठी भाषा में एक जो है मासिक पत्रिका आती थी, इनके द्वारा लॉन्च की गई थी मासिक पत्रिका, जिसका नाम क्या था, लोकहितवादी। ये पत्रिका इतनी चर्चित थी कि यही इनका टाइटल भी बन गया, लोकहितवादी। तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। 1848 में दोस्तों इनकी एक और पत्रिका आती है, प्रभाकर नाम की, एक साप्ताहिक पत्रिका है। देखिए बहुत क्वेश्चन इनसे बनते हैं, जब कभी आपका पेपर बहुत टफ बनेगा ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1848 में दोस्तों प्रभाकर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका इन्होंने लॉन्च किया था, और ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछता है ना, पत्र पत्रिका से क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मराठी भाषा में एक समाचार पत्र भी इनके द्वारा निकाला गया था, मराठी भाषा में समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र। देखिए यहाँ पे, देखिए ये मराठी भाषा में मासिक पत्रिका थी, जबकि ये साप्ताहिक पत्रिका थी प्रभाकर नाम से। मराठी भाषा का समाचार पत्र था इंदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश, कौन कौन सा, इंदु प्रकाश प्लस ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मिलके लिखिएगा, आराम से लिखिए, इत्मीनान से लिखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। इंदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश का संपादन भी मराठी भाषा की ये समाचार पत्र थे। इसका संपादन भी किसने किया था, तो लोकहितवादी कौन थे, गोपाल हरि देशमुख जी ने किया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने गीता का नाम सुना होगा, ठीक है, गीता तत्व और सुभाषित का संपादन किया था। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इन्होंने गीता तत्व प्लस सुभाषित, ठीक है, सुभाषित इसका भी संपादन किया था, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनके नाम पर एक आखिरी चीज़ नोट कर लीजिए, एक किताब लिखा था दोस्तों इन्होंने, जाति भेद, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इनकी, जाति भेद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहाँ पे लिखूँ, जगह भी तो नहीं बचा है, चलिए बीच में डाल दूँ, यहाँ पे दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा ना, जाति भेद, बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं, जाति भेद, ये इनके द्वारा लिखी गई एकमात्र बुक है, किताब, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हैं। देखिए मराठी, फिर से दोहरा दे रहा हूँ, मराठी मासिक पत्रिका लोकहितवादी थी, सबसे फेमस ये मासिक थी। जो साप्ताहिक थी उसका नाम प्रभाकर था, 48 में आई थी। मराठी भाषा का समाचार पत्र था इंदु प्रकाश और ज्ञान प्रकाश। गीता तत्व सुभाषित का संपादन भी किया था। जाति भेद नाम की किताब भी लिखी थी। ये सारे टर्म्स आप याद रखिएगा लोकहितवादी के संदर्भ में। अगर आपको इतना याद है तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर ले जाओगे। अभी भागने का टाइम नहीं है, एक दो टॉपिक और पढ़ाऊंगा छोटा छोटा, उसके बाद आपकी क्लास यहीं पर हो जाएगी समाप्त, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, कितने लोग ऐसे हैं जो देव समाज के बारे में जानते हैं, वेद समाज नहीं दोस्तों, वेद समाज के बारे में लोग पढ़ चुके हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों देव समाज के बारे में। कितने लोग ऐसे हैं जो देव समाज के बारे में जानते हैं, बताइए, देव समाज नहीं जानते हैं। चलिए ये पढ़ाता हूं आपको, देव समाज, ठीक है, चलिए देव समाज। तो देव समाज की स्थापना किया था दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने, किसने किया था, नाम रहेगा याद, शिव नारायण मतलब भगवान शिव, भगवान विष्णु, नारायण अग्निहोत्री, क्या नाम था, अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री ने वेद समाज की स्थापना किया था लाहौर में, कहाँ पर, लाहौर में 1887 में किया था। कांग्रेस की कब हुई थी, 1885 में, और देव समाज की कब हुई थी, 1887 में, वो भी कहाँ पर, लाहौर में हुआ था। और दोस्तों देव समाज ने, देव मतलब देवताओं वाली बात, देवता, अच्छा देवता कभी मांस मदिरा का सेवन कर सकते हैं, नहीं कभी नहीं, राक्षस करते हैं, असुर करते हैं। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, इस समाज का एकमात्र उद्देश्य क्या था, सबसे बड़ा उद्देश्य के मांस मदिरा के सेवन की तीव्र निंदा करते थे, जय गुरुदेव, बस वही वाली याद, ठीक है। और इनके द्वारा एक लिखा गया किताब भी है दोस्तों, जिसमें इनके द्वारा दिए गए उपदेश लिखे गए हैं, उसका नाम है देवशास्त्र, क्या नाम है, देवशास्त्र, ठीक है, कई जगह पर देवशास्त्र लिखा हुआ है, तो चाहे देवशास्त्र देवशास्त्र दोनों याद रखेगा। वेद समाज के बारे में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, इसको याद रखिएगा। एक और थी दोस्तों धर्म सभा, नाम सुना है, धर्म सभा,
धर्मसभा, धर्मसभा की स्थापना किसने किया था? पूछता है, ऐसे छोटा छोटा सभा है ये सब, ठीक है, और आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसकी स्थापना किए थे राधाकांत देव, क्या नाम था? राधाकांत देव ने किया था धर्मसभा की स्थापना 1830 में। कितने में किया था? 1830 में। कहां पर किया था? तो बंगाल में किया था, 1830 में बंगाल में धर्मसभा की स्थापना किया था राधाकांत देव ने। और ये धर्मसभा करती क्या थी? एक्चुअली में ये रूढ़वादियों की संस्था थी। किसकी? रूढ़वादियों की संस्था थी, यंग बंगाल आंदोलन के ठीक पीछे खड़ी थी। तुमको रोकने के लिए हम खड़े हैं। क्यों? यंग बंगाल आंदोलन सब कुछ अच्छा कर रहा था, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति तरफ लोगों को झुका रहा था, और जो हमारे कट्टर हिंदूवादी लोग थे, जो कि रूढ़वादी विचारधाराओं के थे, कि नहीं, हमारा धर्म सही है, हमारी समाज सही है, हमारी सभ्यताएं सही है, सब कुछ सही है, हम किसी भी तरह का परिवर्तन अपने सामाजिक धार्मिक स्तर पर नहीं कर सकते, ये उन्हीं का समर्थन करती थी धर्मसभा, ठीक है, राधाकांत देव वाली धर्मसभा ये उन्हीं का समर्थन करती थी। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो बहुत सारा हम लोगों ने कवर किया, क्या क्या पढ़ चुके हैं आज हम लोग? आज हम लोगों ने पढ़ा यंग बंगाल आंदोलन, फिर हम लोगों ने पढ़ा जो है धर्मसभा, वेद समाज, लोकहितवादी, ठीक है, ये सारा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। और क्या था? आत्मारंग पांडुरंग वाला परमहंस मंडली, ठीक है, ये भी किया। और पढ़ा दूं क्या? चलिए एक और नीचे जगह बचा है, एक और कंप्लीट कर देता हूं इसी के साथ, तो आपके एक टॉपिक और आके जुड़ जाएगा। एक और है दोस्तों, राधा से लिख लो, राधा स्वामी, राधा स्वामी सत्संग, राधा स्वामी आंदोलन भी कहा जाता है कभी कभी, और कभी कभी राधा स्वामी सत्संग, ऐसे करके लिख लो ताकि आपको याद रहे, ठीक है, राधा स्वामी सत्संग या राधा स्वामी आंदोलन, ठीक है। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? ये स्टार्ट किया गया था शिवदयाल खत्री के द्वारा। किसके द्वारा? शिवदयाल साहब, साहब भी लगता है, और ऐसे तो एक खत्री थे, ठीक है। इनको दोस्तों तुलसी राम भी कहा जाता था, क्या बोलते थे इनको? तुलसी राम भी कहा जाता था, दयाल साहब भी कहा जाता था, दयाल साहब, शिवदयाल नाम था ना, दयाल साहब भी बुलाया जाता था, ठीक है। स्वामी जी भी इनकी उपाधि होती थी, स्वामी जी महाराज, किसको बुलाते थे? राधा स्वामी आंदोलन के कौन थे? संस्थापक थे कौन? शिवदयाल खत्री, ये नाम याद रखिए, शिवदयाल खत्री, ठीक है। आगरा में इसकी स्थापना हुआ था 1861 में। कितने में हुआ था? आगरा में हुआ था, मथुरा के बगल में आगरा पड़ता है दोस्तों, राधा नाम भी है, राधा आगरा, याद रखिएगा 1861 में। पेशे से तो दोस्तों एक साहूकार थे, लेकिन आगे चल के इन्होंने समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, ठीक है। तो ये सब बातें थी। तो इम्पॉर्टेंट आपसे ये है कि एग्जाम में पूछता है, जैसे वेद समाज या देव समाज की स्थापना किसने किया, ठीक है, अलग अलग है फिलहाल दोनों। तो देव समाज की स्थापना किया शिव नारायण अग्निहोत्री ने। धर्म सभा की स्थापना किसने किया? राधाकांत देव ने। ये सब याद रखिए तब आप बता पाएंगे, ठीक है। खत्री साहब ने किसकी स्थापना किया? राधा स्वामी आंदोलन का, ठीक है, या राधा स्वामी आंदोलन, राधा स्वामी सत्संग, मैं अदरट गया, पता नहीं कि सत्संग बार बार मेरे मुंह से यहां निकलता है, खैर ठीक है। तो इतनी चीजें दोस्तों आप याद रखिएगा और सब कुछ आप सही करके आओगे। वो जो आत्माराम पांडुरंग वाला था, कौन सा परमहंस मंडली, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहां पे तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, कौन कौन सा? दादोबा पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर, जांबेकर शास्त्री, इन तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, तभी जो है आप याद कर पाओगे और सही टिक कर पाओगे, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आखिरी बार निवेदन करूंगा, प्लीज किसी तरह का अगर एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको पूरा देखिए, उसको स्किप मत करिए, ठीक है। देखिए उसी से दो पैसे का फायदा होता है, इसी वजह से सरकारी क्लास मैं मेंटेन कर पाता हूँ, ठीक है, और अच्छे कंटेंट आपको दे पाता हूँ, सुबह शाम प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, तो ये सब उसी से मैनेज होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बच्चे से फीस लिया जाए और सब कुछ किया जाए, तो उसके बिना भी काम हो सकता है, बट ये सब आपके सहयोग से ही हो रहा है, ठीक है, आप सबके प्यार से हो रहा है, तो प्लीज उसको आप देखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, शेयर कर दिया करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बंधु देख पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।